इंदौर के होलकर स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में स्टेडियम में दर्शक मौजूद हैं। वे इंडियन टीम को चीयर कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी चीयर करने के लिए विदेशी दर्शक भी होलकर स्टेडियम में मौजूद रही। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिला है। बच्चे भी अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को चीयर करने पहुंच रहे हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच शुरू हो चुका है, लेकिन यदि शुरुआती दौर की बात की जाए तो भारत ने बैटिंग शुरू की और बैटिंग के साथ ही लगातार धीरे धीरे करके एक एक करके यदि 5 झटके शुरुआती दौर के 50 रनों में हो जाते हैं तो जो इंदौर का जो क्रिकेट को लेकर क्रेज देखा जाता है वो क्या कहता है, वो किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे थे यहाँ मैच को लेकर, क्या उम्मीदें आपकी इस मैच को लेकर थी? 5 दिवसीय मैच था, अंतिम दौर तक मैच चले, ये एक ख्वाहिश रहती है। तो मुश्किल है कि 2 या 3 दिन ही मैच चले जिस हिसाब से विकेट गिर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो और नहीं बैटिंग कर पाएगी ऐसे पिच पर, तो उम्मीद तो कम ही है। 2 या 3 दिन का ही मैच दिख रहा है। आप लोग क्या सोच के मैच देखने के लिए आए? 400-500 रन का मैच होगा कम से कम फर्स्ट इनिंग्स, वो तो दिख नहीं रहा। शुरुआती दौर में कई शतक देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो लगातार पतझड़ है और विकेटों का पतन लगातार जारी है। सही बात है। क्या आगे उम्मीद है? देखो अश्विन और अक्षर कुछ आगे बैटिंग कर ले, तो बाकी तो अभी तो भारत और विराट कोहली मोर्चा संभाले हुए हैं। हाँ वो भी है, बाकी उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है अभी टेस्ट मैच में। आप लोग क्या उम्मीद करके आए हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए? क्या उम्मीदें थी कि कैसा विकेट होगा, कैसे रन बनेंगे, किस तरह की उम्मीद है? उम्मीद तो यही थी कि विकेट जो है बहुत अच्छा होगा, जिसपे रन अच्छे लगेंगे, 400-500 रन लगेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हालत यह है कि शायद ऐसा लगता है कि पिच में बदलाव है कुछ, इस कारण से विकेट ज़्यादा जा रहे हैं और पिच जो है बॉलिंग को ज़्यादा मदद देगी। बिल्कुल, लेकिन यदि दूसरे शुरुआती दौर के जो दोनों मैचेस की बात करें तो भारत उसमें बढ़त बनाए हुए हैं, अच्छे लेवल पे भारत जीत के साथ में आगे बढ़ा है। अब उम्मीद की जा रही है कि तीसरा मैच भी जीते और टेस्ट क्रिकेट में लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर आए। आप देखिए पीछे भले ही MS धोनी अभी ग्राउंड पर नहीं हो, लेकिन उनका क्रेज अभी भी बोलता है। क्या कहते हैं धोनी के फैन? बहुत शानदार क्रिकेटर थे वो और हमेशा रहेंगे, और वो इंस्पिरेशन देते हैं अपने छोटे क्रिकेटरों को। दैट्स इट, ये हैं एक जिन्होंने अपना बैनर बनाया और वो उभरते हुए मध्य प्रदेश के क्रिकेटर हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। केवल क्रिकेट देखने ही नहीं, खेलने वाले भी लोग यहाँ पर क्रिकेट का क्रेज सामने है। किस तरह का आप क्रिकेट खेलते हैं, किसका जबरदस्त आप लोगों को क्रेज नजर आता है? सर महेंद्र सिंह धोनी मेरे आइडियल हैं और हमेशा ही रहेंगे, कभी भी रिटायर हो जाएं तो भी रहेंगे, और उन्हीं को देख के हमेशा मैं खेलने की कोशिश करूंगा। देखिए एक नन्ना क्रिकेटर भी हमें यहाँ नजर आ रहा है। देखो नन्ना सा क्रिकेटर जो है वो एक क्रेज है, इसको देखिए चारों तरफ से भारतमय हो रहा है ये, चाहे हाथों की बात करें चाहे रेशम की बात करें। क्रिकेट का फैन है, कौन है सबसे ज्यादा प्रिय आपको? कौन अच्छा लगता है आपको? विराट कोहली। तो विराट कोहली अभी खेल रहे हैं, उनके चौके और छक्के देखेंगे आप? ओके। देखोगे ना? हाँ। चेयरअप भी करेंगे? हाँ। कैसे? विराट कोहली। अरे वाह, विराट कोहली के जबरदस्त फैन है आप भी, मैच देखने के लिए आए, शुरुआती झटके भारत को लगे हैं, क्या उम्मीदें हैं? अभी शुरुआत है, अभी 5 दिन का गेम है, देखो क्या होता है। उम्मीद तो है कि इंडिया जीत के जाएगी यहाँ से। बिल्कुल, यही उम्मीद के साथ सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। इंडिया की जीत की सभी मतलब दुआएं भी करती हैं, और लोग ये चाहते हैं कि ये मैच जो है वो 5 दिवसीय मैच है वो 3 दिन में ख़त्म ना हो, क्योंकि जो टिकट लेकर आए हैं वो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा मैच चले और उनके जो पैसे हैं वो वसूल हो। हमारे साथ क्रिकेट के एक्सपर्ट महावीर आर्य जी भी मौजूद हैं, वे लगातार MPCA में सक्रिय रहते हैं, चाहे पिच की जानकारी हो चाहे बाकी चीज़ों की जानकारी वो सभी इनके पास होती है। सर क्या लगता है जो शुरुआती दौर का हम मैच देख रहे हैं, एक उम्मीद होती है इंदौर शहर को देखते हुए कि यहाँ लगातार रनों का अंबार देखने को आएगा, लेकिन इस बार मिट्टी का असर है या क्या कर? देखिए ये एक होस्ट को एडवांटेज जो होता है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, उन्होंने विकेट इंडिया की चॉइस पे हमेशा होस्ट को ये फ़ायदा रहता है, उस हिसाब से उन्होंने विकेट इंडियन टीम की या जो भी एक मैनेजमेंट का जो डिसीजन होता है उसके हिसाब से तैयार किया गया है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पर 2-2 इंच का गैप होता है विकेट्स में, पर्थ मेलबोर्न में, वहाँ पर हम हार्ड सरफेस पर खेलते हैं, तो वही है। अब इंडिया में आपका टेस्टिंग है, आप हमारे यहाँ का ट्रेंड है टर्निंग ट्रैक का, अब टर्निंग ट्रैक पे खेलो और मैच जीतो।
हम लोग भी वहाँ पर तेज विकेटों पर काफ़ी संघर्ष करते हुए दिखते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलियंस को इंडिया में वैसे विकेट मिला, उनको उस तरीके से खेलना चाहिए। और जिस तरह का ये पीस देखने को मिल रहा है, जिस तरह के भारत के विकेटों का पतन देखने मिल रहा है, तो क्या अपने स्पिनर से ऑस्ट्रेलिया को भी दिक्कतें आएगी खेलने में? देखिए अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट हाफ में पहले ब्रेक में इंडिया माइनस हुआ उसमें, लेकिन अभी गेम काफ़ी है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। रविचंद्रन अश्विन एंड जडेजा दोनों काफ़ी अच्छे बॉलर हैं हमारे पास भी, तो आपको अभी दो तीन दिन में काफ़ी कुछ रोमांच देखने को मिलेगा इसमें। जिस तरीके का विकेट या जो सरफेस है उस पर आपको काफ़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। चौथे और पाँचवें दिन तक मैच जाएगा, क्या उम्मीद है? इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अभी आज स्थिति पूरा दिन भर का खेल के बाद एक मालूम पड़ेगा कि क्या किस तरीके से आगे गेम होगा, पर उम्मीद है कि अच्छा क्रिकेट देखने को, दो या तीन दिन का कोई मायने नहीं है, क्रिकेट अच्छा देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, सीरीज की बात की जाए तो अभी 2-0 से बढ़त है भारत के पास है, यदि ये मैच टाई भी हो जाता है या भारत जीतता है तो क्या ये कंडीशन रहेगी आगे के नंबर ऑफ फिगर्स में? देखिए उम्मीद है कि ये अभी इंदौर में 3-0 होगा, यही आशा सभी लोग भी इंडियंस, हर इंडियंस को यही उम्मीद है कि यहाँ पर 3-0 की सीरीज हो। इसके बाद अहमदाबाद टेस्ट है, तो ऑस्ट्रेलियंस, हम चाहते हैं कि पहली बार हम ऑस्ट्रेलियंस को 4-0 के लीड के साथ में हराएं, यही उम्मीद है कि। बहुत उम्मीदों से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रन देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, क्या उसका जो असर है धीरे धीरे कम होगा, क्या बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा आगे? किस तरह की उम्मीदें आप लोग लगाए हुए थे, क्योंकि आप पिच को भी बहुत बारीकी से देखते हैं, इंदौर को लेकर आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त आकलन होता है, मिट्टी का जो असर है काली मिट्टी और रेड मिट्टी को लेकर जो एक आकलन लगाया जा रहा था, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए टर्निंग ट्रैक है ये तो सभी ऑस्ट्रेलियंस को भी पता है और इंडियंस को भी पता है, और पिछले दो टेस्टों में जिस तरीके का ट्रेंड रहा है वो टर्निंग ट्रैक दिया है, ये भी अभी जो अभी मैंने अभी जो जितना देखा तो इस पर घूम रहा है अभी भी, तो टर्निंग ट्रैक तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये टर्निंग ट्रैक है तो काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियंस को भी। शुक्रिया महावीर भाई, आपने बहुत एक्सपर्ट्स कमेंट हम लोगों के साथ में शेयर किए, और ये टर्निंग ट्रैक है और इस टर्निंग ट्रैक पे काफ़ी रोमांचक मैच आने वाले समय में इंदौर में देखने को मिल सकता है। आप लोग क्रिकेट देखने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है शुरुआती दौर के जो झटके इंदौर में होने वाला है? फर्स्ट दो मैच में जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वैसे ये मैच में भी ऐसा होगा। मेरा छोटा बेबी है, उसको भी बहुत शौक है मैच देखने का अभी से, तो अभी से इतना शौक है, ये तो गोलू मोलू है अभी, बहुत अच्छे से देखती है मैच, ना रोती है ना कुछ भी करती है, वैसे बहुत रोती है, तो इसको भी बहुत क्रेज है मैच देखने का। उम्मीद है 5 दिन मैच चलेगा ये, क्योंकि शुरुआत के यदि 1 घंटे में ही 5 विकेट हो जाते हैं, 3 दिन में हो जाएगा, इंडिया विन कर जाएगा, जैसे फर्स्ट दो मैच में हुआ है वैसे ये वाले मैच में भी यही सीन होने वाला है। चाहे भारत की स्थिति नाजुक नजर आ रही हो, लेकिन दर्शकों का जो क्रेज है, दर्शकों की जो उम्मीद है, वो यही कहती है कि इंदौर में जिस तरह से लगातार भारत जीतता आया है, वैसे ही इस बार भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत रैंकिंग में भी आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन अर्पित शाह के साथ में हेमंत शर्मा, एशियन भारत, इंदौर।